तो दोस्तों जेपी पावर यानी कि जयप्रकाश पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2190 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1380 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1514 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेज़ी आपको देखने को मिली, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली, ऑलमोस्ट वहाँ पर बोल सकते हैं 33% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिल रही। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1835 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1404 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे मात्र 1013 करोड़ के आसपास आपको देखने को, मात्र 1013 करोड़, मतलब कंपनी का खर्चा देखिए इस क्वार्टर में बहुत कम आपको देखने को मिला। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब खर्चे देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के खर्चे कम होते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज है यहाँ पे। वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है कंपनी का साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे कम हो सकता है अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है तो पावर सेक्टर की कंपनी या कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होता हुआ देखने को मिला है, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 172 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 44 करोड़ के आसपास के घाटे में थी कंपनी, अभी देखें तो 588 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट आपको देखने को मिला। जी हाँ, 588 करोड़ का प्रॉफिट, जहाँ कंपनी 44 करोड़ के घाटे में पिछले साल डील कर रही थी, अभी देखें तो 588 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 गुना से ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला। हालांकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में थोड़े अच्छे खासे नुकसान भी उठाने पड़े, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 80 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में, पिछले साल 6 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 302 करोड़ के आसपास। तो एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट, तो पिछले क्वार्टर में 378 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 20 करोड़ के आसपास के घाटे में थी, अभी देखें तो 850 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो बहुत अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अगर देखा जाए तो 16 पैसे के आसपास था, पिछले साल 4 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 70 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट देखें मैसिव जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो मेरे हिसाब से नंबर अच्छे हैं, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन हो सकती है एक अच्छी खासी तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आजकल बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।